हमारी सरकार ने तय किया है कि किसी भी प्रकार से हम सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने कब्जे किए हैं हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उसी के तहत हो रही है। सर, आज मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर अब जो है डिंपल यादव का आज नॉमिनेशन है। नहीं तो आप तो पहले ही सब पहले जानते हैं, आप 3 दिन से खबर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी शीर्ष कार्यकर्ता को, सर्वमान्य कार्यकर्ता को केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी देगा, उसके बाद हम नाम आपके सामने लाएंगे। लेकिन मैनपुरी में इस बार कमल खिलेगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ।